गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो सब? ठीक है? अब हम आज हिंदी में पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। रिवीजन आपका सेकंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर कैसर शोर है ना, तो इसके बारे में रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ लिया है कि कैसर शोर में बिरजू चाचा सोए हैं, उसके खेत में सब्जी बोई है ना। जब पूरी सारी सब्जियां बाहर आ जाती है, नवजोत पर उतर आती है, सब एक दूसरे से ऐसे संवाद ऐसे बातें करती है। लेकिन अब हम रिवीजन में क्या करेंगे, पूरा चैप्टर हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उसका स्वाध्याय भी हमने अच्छी तरह से देख लिया है, इसके प्रश्नों के उत्तर जो भी है बराबर। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें याद नवी आए, याद रहेंगे कि नहीं, ऐसे कुछ शब्द है जिसे हमको बार बार रिवीजन करने से ध्यान में रहेगा, कभी हम नहीं भूल पाएंगे। जो इस चैप्टर में ज्वर जैसे शब्द है, ज्वर जिसको क्या बोलते हैं, ज्वर इस ताव गुजराती में ताव बोलते हैं, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, बुखार है ना। तो ये हमें ध्यान में रहना चाहिए जिसको बुखार बोलते हैं। बराबर, गुजराती में ताव बोलते हैं। ये ध्यान में रहना, टेम्परेचर जो आता है जिसको ज्वर जैसी बीमारी बोलते हैं। बराबर, दूसरा है सरताज, सरताज। तो सरताज का मतलब क्या होता है, आपको ये चैप्टर में पढ़ाया है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम। बराबर, तो आपको ये शब्द दिमाग में रहना चाहिए, जो जिस क्या बोलते हैं सरताज। तो ऐसा कौन बोलता है मैं सब्जियों में सरताज हूं, ऐसा कौन बोलता है आलू, तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम इसको बोलेंगे। सर्वश्रेष्ठ ठीक है, ऐसा। और शब्द है मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर। दोपहर प्रहर, इसका मेन शब्द है प्रहर, पहला प्रहर दूसरा प्रहर, तो दो प्रहर दूसरा प्रहर है ना। ऐसे प्रहर को समझते हैं, सुबह उठते हैं पहले प्रहर, दूसरा प्रहर मध्याह्न का, शाम का तीसरा प्रहर, इस तरह प्रहर होते हैं। तो दोपहर में मध्याह्न
ज्ञान को क्या बोलते हैं? तो गुजराती में हम बोलेंगे बपोर, है ना। तो ऐसा और शब्द है लिज्जत। लिज्जत तो लिज्जत का मतलब क्या होता है ये आपको बताया है, और किस तरह लिज्जत का मतलब होता है स्वा, है ना। लिज्जत का मतलब होता है स्वा। लिज्जतदार है मतलब स्वादिष्ट है, ऐसा हम कह सकते। और तीसरा एक है आगे शब्द मनभावन। मन भावन जो मन को भाता है ना, जो मन को भाता है उसे मनभावन बोलते हैं, जो मन को पसंद है। तो हम इसका मतलब लिखेंगे मन पसंद, ठीक है, मन पसंद। जो मन को भाता है वो मन पसंद मन भाव, ठीक है। तब देखो ऐसे कुछ शब्द है जो मैं वाक्य बोलूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये किसने बताया है, किसने बोला है। जैसे मैं सब्जियों में सरदार हूं, ऐसा कौन बोलता है? आलू। कौन बोलता है? आलू, बराबर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर में कौन कैसा बोलता है। दूसरा एक है मेरा तो स्वादिष्ट हलवा बनता है, इसे कौन बोला है? बोलो, हलवा कैसे बन रहा है? गाजर से बनता है और लौकी से बनता है, तो ऐसा कौन बोला? गाजर। कौन बोला? मेरा तो स्वादिष्ट हलवा बनता है, ये बोला गाजर। चल और है सब्जी के अलावा कचुमर में और सलाद में मेरा स्थान है, इसे कौन बोला? सब्जी के अलावा कचुमर सलाद में मेरा स्थान, इसे कौन बोलता है? पत्ता गोभी। कौन बोलता है? पत्ता गोभी, वो ध्यान रखना है। पत्ता गोभी बोलती है सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है, ठीक है। चलो और है मैं पतली और चुस्त हूं, ऐसे कौन को है ना? अरे ये ऐसे पतली होती है ना। हरी मिर्च ऐसी होती है। तो ये हरी मिर्च मैं पतली और चुपता हूं, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कौन। चलो अब ऐसे सब्जियों के आकार भी जानते हैं कि वो कैसा होता है। सब तो भिंडी तो कैसी होती है, भिंडी का आकार कैसा होता है, यही सब हम जानते हैं, है ना। ऐसा होता है, फिर ऐसे ऐसा होता है ना। तो ये भिंडी का आकार होता है, ऐसे हम जानते हैं। ऐसे सब सब्जियों को हम जानते हैं करेला का आकार कैसे, फिर उसका सुगंध मीन्स रंग कैसा होता है और उसका स्वाद कैसा होता है। जैसे करेला कड़वा होता है,
शकरकंद, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, यस, हरी मिर्च, गाजर और धनिया, अदरक, बैंगन, बोलो बी, यस, शिमला मिर्च, मटर, ऐसे बहुत सारी, करेला, लौकी, ऐसी बहुत सारी सब्जियां बीजू चाचा ने अपने खेत में बोई थी। तो सभी ऐसे सब्जियों के नाम भी आपको आने चाहिए। दूसरी बात कि जो सब्जियां पौधे पर होती है ना, दूसरी जमीन में होती है और बेलों पर होती है, ये तीन प्रकार की सब्जी जो जमीन में होती है, आलू, शकरकंद, अदरक, लहसुन, प्याज, ऐसी बहुत सारी सब्जियां जिसको रतालू बोलते हैं, सूरण जो हम यूज करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जमीन में है। और बेलों पर होने वाली सब्जी, तो बेलों पर कौन सी सब्जियां होती है सबको मालूम है, करेला, मटर, बोली लौकी, तुरिया, टिंडोरा, ऐसी सब्जियां बेलों, और इसमें बताया भी है कि बेलों पर कौन सी चीजें होती है ना, लौकी, करेला, ककड़ी, ककड़ी वो बेलों पर, और पौधों पर होने वाली है ना, पौधों पर जो सब्जियां होती, बाकी की सब सब्जियां जैसे टमाटर, भिंडी, मटर, बैंगन, ऐसे सब्जियां सब पौधों पर होती है, ऐसे तो ग्वार वाली है ना, ऐसे बहुत सारी सब्जियां जो इसमें नाम भी नहीं है ना? तो इसकी हम जानकारी पहले भी दी थी और आज भी विशेष प्रकार से हमने आपको ये जानकारी दी है। तो इस तरह आप ये पूरा चैप्टर पुनरावर्तन में आपने समझ भी लिया है, सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको आते हैं। लेकिन विशिष्ट के बाद बताता हूँ कि इसमें आपको विशेषण, संज्ञा, क्रिया उसका भी मालूम होना चाहिए। शब्दों में ये एक इधर सेंटेंस लिख रहा हूँ कि नारियल का पेड़ खाली जगह है, इसमें विशेषण आप डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको विशेषण में कैसे डालेंगे, विशेषण में क्या लिखेंगे। तो नारियल का पेड़ कैसा होता है बेटा, सबको मालूम है नारियल का पेड़ ऊंचा होता है ना, ऊंचा होता
क्योंकि नारियल की संख्या है ना और पेड़ है लेकिन ऊंचा है, तो इसका मतलब ये विशेषण हुआ है ना। जब तो ये दूसरी बात बताता मैं कि हाथी की सूंड है, लेकिन उसमें बोलूंगा कि हाथी की सूंड लंबी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे आप, लंबी शब्द है वो विशेषण, हाथी की सूंड लंबी है। हाथी की सूंड कैसी है, लिखता हूं ये लंबी है, ये लंबी शब्द है, तो ये लंबी है इसको हम बोलेंगे विशेष। तो इस तरह आपको जो भी सेंटेंस में उसको ध्यान से देखना है कि इसमें विशेषण क्या है। इमली बहुत खट्टी होती है तो खट्टी शब्द इमली तो है, लेकिन इमली खट्टी है तो खट्टी शब्द है ये विशेषण। पवन अच्छा लड़का है, लेकिन पवन लड़का तो है लेकिन कैसा है, अच्छा है, इसको हम विशेषण बोलेंगे। ठीक है, तो विशेषण के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया विशेषण, ये सब आपको बताया गया है। तो समझो मैं एक शब्द बताता हूं, समझो काली सी मीठी मिर्च, टूटी आंखें, तीखी आइसक्रीम है ना, तो ये सब अंगूर खट्टा है या अंगूर मीठा है तो विशेषण, दूध थोड़ा है तो थोड़ा है विशेषण, लड़का ऊंचा है तो ये विशेषण है, लड़की खूबसूरत है तो ये विशेषण खूबसूरत। तो आपको इस प्रकार विशेषण का संज्ञा का क्रिया का मालूम होना, क्रिया कौन सी है जो हम करते हैं, खाते पीते बैठते लिखते पढ़ते जो भी क्रिया करते हैं ये सब क्रिया है ना। सर्वनाम का तो मालूम है कि संज्ञा के जो संज्ञा होती है उसके बारे में उस शब्द का उपयोग किया है तो उसको सर्वनाम बोलेंगे। समझो रमेश के पास किताब है, उसकी किताब अच्छी है, उस किताब में अच्छी स्टोरी है, तो जो उस उसकी जो शब्द सर्वनाम मिस संज्ञा के बदले में जो शब्द का उपयोग किया है उसे सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम और विशेषण के बारे में आपको मालूम पड़ गया। तो आज क्रिया विशेषण संज्ञा का इस पर ज्यादा नहीं है, फिर दूसरे वीडियो में हम सेकंड चैप्टर नाइन्थ है, नाइन्थ चैप्टर बाद में टेन चैप्टर सीखो जो पोएम है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, आपको ये पुनरावर्तन करवाएंगे। तो आप ध्यान से लिखिए और पढ़िए, जो आज मैंने बताया वो आपको प्योर नोटबुक में भी लिखना भी है और ध्यान करना है, वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, जब मालूम पड़ेगा कि हमने क्या बताया, जो शब्द अपने दिमाग में रखने हैं कायम रह जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बाय।